श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बधानी कैंप्स की ओर से पहला स्पोर्ट्स विला का आयोजन चेयरमैन एस के पुंज व सीएमडी तुषार पुंज की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इस स्पोर्ट विला में क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस आदि के मैच करवाए जा रहे हैं। इसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू के अलग अलग कॉलेज के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फाइनल के विजेता खिलाड़ियों को विश्व प्रसिद्ध द ग्रेट खली कल 15 फरवरी को इनाम वितरित करेंगे। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट। श्री साई ग्रुप ऑफ स्कूल विच इन स्पोर्ट्स विले दे नाते एक स्पोर्ट्स मेला कराया जा रहा है। इस मेले का पर्पज है कि इस इलाके दे अलग अलग क्षेत्रों विच जो खिलाड़ी है उन्होंने प्रमोट करना और उन्होंने एक चंगा प्लेटफॉर्म दे और उदे नाल नाल उन्होंने जो स्पोर्ट्स दे दिग्गज लोग ने जिवें कल सरदार वरिंदर सिंह ओलंपियन आए सी, बच्चों ने इंटरेक्ट किया, बच्चों को मिले, बच्चे को बड़ा अच्छा महसूस होया। हुण कल इंटरनेशनल लेवल फेम द ग्रेट खली जिहड़े को बच्चों ने अटैक्ट करनगे, बच्चों को प्राइज देनगे। और साई ग्रुप का परपज यह है कि स्पोर्ट्स को होर प्रमोट किया जाए और बच्चों को उन्हां वड्डियां पर्सनैलिटियां नाल मिला के उन्हां दे जो सपने आ वो वड्डे किए जाण तां जो बच्चे उन्हां वर्गे बन सकन और अपने देश का, अपने कौम का, अपने माँ बाप का नाल उस कर सकन। जी सर, स्पोर्ट्स विला 2K19 जो एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हमने करवा रहे हैं श्री साईं ग्रुप के अंदर, इसके अंदर 10 से ज़्यादा कॉलेजों ने भाग लिया है और ये 3 दिन तक चलेगा जिसमें 10 से ज़्यादा स्पोर्ट्स हम करवा रहे हैं, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का हमारा विजन है कि ऐसी जगह लोगों को बच्चों को मिले जिसमें बच्चे आगे आकर स्पोर्ट्स में कुछ अपना नाम हासिल करें और उनको प्रोत्साहन मिले। और ये 15 तारीख को इसका क्लोजिंग सेरेमनी है जिसके चीफ गेस्ट इंटरनेशनल फेम श्री ग्रेट खली जी आ रहे हैं हमारे पास, ताकि जो बच्चे को अवार्ड्स दे के उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। और हमें लगता है कि ये हमारा इवेंट बहुत ही बढ़िया चल रहा है और इतना रिस्पॉन्स अच्छा लोगों से मिला है और इसी तरह हर साल हम लोग इस इवेंट को बड़े से बड़ा और बड़े लेवल पे लेके जाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसमें जो बड़ी बात यह है कि हम लोग इस बार 10 कॉलेजेस के साथ शुरू किया था और अगली बार हम लोग आराम से 40-50 कॉलेज को इनवाइट करेंगे ताकि ये इवेंट और बड़ा हो पाए।